Podoc News. जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में सियासी हलचल तेज पर है। हरियाणा के राजनीति में खबर निकल के सामने आई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। किसानों से जुड़े बिल पर पंजाब में सियासी उबाल की तपीस हरियाणा में भी महसूस की जा रही है। मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद अचानक हरियाणा में हलचल बढ़ गई है। चर्चा है कि कांग्रेस के तीखे सवालों के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की शंकाएं दूर करने को कहा है। उन्होंने किसानों के हित को लेकर सीएम से बात की। सूत्रों की माने तो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच हरसिमरत कौर के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा हुई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। आपको बता दें कि संसद में प्रस्तावित कृषि विधेयकों को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है। कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सरकार से इस्तीफे दे दिए हैं। इससे पहले लोकसभा में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने बिल के विरोध में चेतावनी देते हुए ऐलान किया था कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में सरकार से इस्तीफा देगी। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि थी। वहीं हरसिमरत कौर के इस्तीफे कांग्रेस ने नाटक बताया था। पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला को भी कम से कम मनोहर लाल सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला का उल्लेख करते हुए कहा, दुष्यंत जी हरसिमरत के इस्तीफे के नाटक को ही दोहरा कर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते। पद प्यारा है, किसान प्यारे क्यों नहीं। कुछ तो राज है, किसान माफ नहीं करेंगे। जेजेपी सरकार को पिछलग्गूपन किसान की खेती रोटी छीनने के जुर्म की भागीदारी है। हम आपको बता देते हैं कि 20 तारीख को किसानों ने आंदोलन करने का ऐलान कर रखा है और 12 बजे का समय इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। हरियाणा में पूरी तरह से किसानों का आंदोलन रहेगा। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है, क्या नहीं उठाती। क्या दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा देंगे या सीएम मनोहर लाल से जांच की मांग कर रखी, उन्हें जांच करवाएंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।